Hello friends and welcome back to my channel Superb Collection. My name is Shadab Memon. और फ्रेंड्स, आज मैंने वापस आपको जैसे मैंने सेवन्थ हेवन केक की इन्फॉर्मेशन दी थी फ्रेंचाइजी की, उसी तरह से मैं जो है कि आपके लिए और एक फ्रेंचाइजी की इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जो है 99 पैन केक। मैं अभी फ़िलहाल बेकरी के बारे में, केक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है ये जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हमें जो है कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और हर कोई यही चाहता है कि मुझे कम इन्वेस्ट करो और पैसे ज़्यादा मिले, उसी के लिए मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। और इनके पास जो एक यूनिक इनका कॉन्सेप्ट है, इनका बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, और जो है कि देव कापड़िया करके इसके ओनर है, जिन्होंने जो है 99 पेन केक को जो है कि फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किया था। तो इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे और जो है कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप जो आने वाले अपडेट्स देख सकूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे देखिए, ये जो पैन 99 पैन केक से ही पता चलता है हमें कि ऑल ओवर इंडिया में वर्क करता है, ठीक है। इसके कहाँ कहाँ आउटलेट है और कहाँ कहाँ ये देना चाहते हैं, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, 99 पैन केक जो है ये पहला इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इसका जो है सबसे फेमस, मतलब सबसे यूनिक, मैंने आपको बताया सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है इसका जो है कि एक सबसे हर एक केक वालों का या हर एक किसी भी बिजनेस का एक कुछ ना कुछ यूनिक होता है जो सबसे अलग अलग होता है। इनका एक यूनिक और सबसे अलग है वाउथ माउथ वाटरिंग पैन केक। इनका जो है कि है बहुत टेस्टी होता है। कभी ये ट्राई करो, मुँह में पानी आ रहा है मुझे, तो बहुत प्यारा होता है ये कभी ट्राई करना चाहिए। और इसके पास काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है, जैसे डेजर्ट्स है, थिक शेक्स है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और इन्होंने जो है ना काला घोड़ा जो मुंबई में फेस्ट होता है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी स्टॉल डाली थी ऐसी देखने के लिए, जब नया नया इनका ओपन नहीं हुआ था, तो काला घोड़ा में इन्होंने ऐसी स्टॉल डाली थी देखने के लिए कि हमारा बिज़नेस ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने डाला तो उन्हें अच्छा खासा ग्रोथ मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कि मेजर बड़ी सिटी में जो मॉल्स होते हैं मॉल्स के अंदर उन्होंने डाला है, अपना नया नया आउटलेट ओपन किया और बहुत अच्छा चल रहा है। अभी ये बहुत अच्छी ग्रोइंग हो रही है और सबसे अच्छी बात इनकी ये जो है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर पहले। और ऑलमोस्ट इनके पास जितने भी केक है सारे के सारे मतलब बाहर से लाए, मतलब बाहर के सब चीज़ें बाहर के केक हैं, आउट ऑफ इंडिया के, जैसे इटालियन केक, US केक, ठीक है, शिकागो केक, ये सब अलग अलग तरीके के पैन केक, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ पैन केक है इनके पास। टिक्का हंगर पनीर भी है इनके पास, डीप डिश पैन केक है, केक के रिलेटेड एकदम बहुत अच्छे है। इसके अंदर जगह की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ इनका जो, जैसे मैंने आपको बताया, देव कापड़िया नाम का बंदा है जिसने इसको ओपन किया है, सबसे पहले इन्होंने चालू किया था। और इसके जो है कि काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मिनी डच पॉकेट पैनकेक, ये होलैंड के पैनकेक है फेमस, ठीक है, लाइट एंड स्पॉन्जी, सर्व फ्रेश एंड हॉट टैप्ड एंड मेपल ऑफ नेचुरल चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप वगैरह भी देते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनके ब्रांड आपको जो है मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देखोगे तो आपको पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और प्लस उसी के अलावा आपको जो वहाँ पर रजिस्टर्ड करने के लिए भी डिटेल है, ठीक है। और जैसे कि इनका जो सब मार्जिन है हर जगह पे, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ साइड में, साउथ में जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ईस्ट में आसाम, मेघालय, मिजोरम, तिरुपा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और साउथ में जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ में यूनियन टेरिटरी में भी है, अंडमान एंड निकोबार में भी इनका है, पौंडीचेरी में भी इनका, चंडीगढ़ में भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये आपको भी मैं बता देता हूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और ज़मीन कितनी लगेगी। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे नहीं खोल रहा, हर जगह पे ये अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं फिलहाल के लिए, हर जगह पे, कहीं पे भी होल नहीं, हर जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। लेकिन एरिया जो है अच्छी, मार्केट वैल्यू होना, मतलब मार्केट वाला एरिया होना चाहिए, क्योंकि देखिए केक के लिए हर कोई नहीं आता, बट आपको ये बात तो पता है कि आजकल केक हर जगह पे कटिंग किया जाता है, चाहे क्रिसमस हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हर जगह पे केक की रिक्वायरमेंट होती है। तो आजकल जो है ये बहुत ग्रो हो रहा है ये इंडस्ट्री, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप जरूर ट्राई करिए, पेट्रोल पंप से बेटर इसके लिए इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इसका, इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 20 से 30 लाख के करीब है लगभग, ठीक है। और कैसे कहाँ का इन्वेस्ट होगा ये बताता हूँ, पहले बता देता हूँ, इनके दो मॉड्यूल हैं,
एक नॉर्मल छोटी स्टोर है और थोड़ी बड़ी स्टोर है। तो छोटी स्टोर है उसके वहाँ पर आपको जो है 100 से 200 स्क्वायर फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर आपको जो है 17 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने होते हैं और 6 लाख रुपये फ्रेंचाइजी की फ़ीस होती है। ठीक है, दूसरा जो है इनका जहाँ पर थोड़े बहुत 2-3 टेबल होते हैं, जहाँ पर आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी 250 से 300 स्क्वायर फीट ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है 26 लाख का होगा, और उसमें से 26 लाख के अलावा 6 लाख रुपये फ्रेंचाइजी फ़ीस होगी। और इनका एग्रीमेंट जो बनता है 3 साल का बनता है, 3 साल के बाद अगर आप उसे रीन्यू करना चाहते हो तो आप रीन्यू भी कर सकते हो। अब रिटर्न के बाद बता दो आपको प्रॉपर्टी जगह कैसी चाहिए। जगह जो है कॉमर्शियल प्लेस होनी चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में ये दे रहे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और आपको रिटर्न क्या होता है, आपको जो है हर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको 40% रिटर्न देते हैं। 1 से 2 साल के अंदर पूरा आपने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया पूरा आपको आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपने जैसे कि 17 लाख से लेकर 26 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो 17 लाख होगा वो आपको जो है कि 40% करके 1 से 2 साल के अंदर पूरा अमाउंट आपको रिटर्न दे देंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी की भी बता देते हैं, मगर ट्रेनिंग जो है आपको एक बार जो है मुंबई में यहाँ पर इनकी हेड ऑफिस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो एक बार आपको जो है मुंबई में आना होता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और बंदे आप अपने रख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, कंपनी भी आपको अरेंज करके देती है बंदे के लिए। और जैसे आपने जब बना लिया स्टोर चालू हो गए आपके, ठीक है, आपको मतलब बताया जाएगा किस तरीके से करना आपको होगा, बनाना आपको होगा। जब आपका स्टोर बन गया तो उसके बाद जो है वहाँ पर सेल्स पर्सन भी आते हैं आपको बताने के लिए कि आपके स्टोर के अंदर क्या कमी, क्या करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है अच्छे से। ये लोग हेल्प करते हैं, इनकी जो है सर्विस बहुत अच्छी है, अपने फ्रेंचाइजी के रिलेटेड ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो सजेस्ट करूँगा कि आप इससे लीजिए इस फ्रेंचाइजी को। इसकी जो है मैंने एक नीचे एक लिंक डाली है, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। और उसकी डिटेल मिलने के बाद नीचे सबसे नीचे फॉर्म होगा, ऐसा लिखा होगा पार्टनर फॉर्म, बिकम अ पार्टनर। वहाँ पर जाके अपनी डिटेल रिक्वायर्ड होगी, जैसे आपका एरिया, आपकी जगह कितनी है, और आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, आपका नाम, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए। ठीक है, वैसे बता देता हूँ मैं आपको, वेबसाइट का नाम है www.99pancakes.in। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा 24 से 48 घंटे के अंदर। और उसके उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है आपको अच्छा ना लगा ये फ्रेंचाइजी, आप लेने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपका फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर लेने में इंटरेस्ट हो सकता है, तो उन लोगों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।